कलाड़ी की बात करें तो उधमपुर में जो लोग रहते हैं वो भली भांति जानते हैं कि कलाड़ी क्या चीज़ है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अब कलाड़ी के नाम से जाना जाएगा उधमपुर शहर, क्योंकि कलाड़ी को लग गया है GI का टैग। इससे हमारा जो उधमपुर का एक लोकल फूड है कलाड़ी, से GI टैगिंग मिली है, एक नई पहचान मिली है। GI टैग से ये फायदा हुआ कि एक इंटरनेशनल स्तर पर जो है कलाड़ी को पहचान मिलेगी, जो कलाड़ी को जो उधमपुर के नाम से जानेंगे और उधमपुर को कलाड़ी के नाम से जानेंगे। वैसे अब कलाड़ी के नाम से जाना जाएगा उधमपुर शहर। जी हाँ, उधमपुर की मशहूर कलाड़ी, अब इसको लग गया है GI का टैग और इसकी के नाम से अब उधमपुर शहर भी मशहूर होगा। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ अरुण शर्मा। कलाड़ी की बात करें तो उधमपुर में जो लोग रहते हैं वो भली भांति जानते हैं कि कलाड़ी क्या चीज़ है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अब कलाड़ी के नाम से जाना जाएगा उधमपुर शहर, क्योंकि कलाड़ी को लग गया है GI का टैग। इससे पहले भद्रवाह के राजमा को लगा था ये, और अब कलाड़ी को लगा है, तो एक खुशखबरी है उधमपुर के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो कलाड़ी का उत्पाद करते हैं, गांव क्षेत्र में रहते हैं। और अब इसके ये टैग लगने से लगता है कि उन लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो उधमपुर के कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। देखिए, एक बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो उधमपुर का एक लोकल फूड है कलाड़ी, से GI टैगिंग मिली है, एक नई पहचान मिली है। GI टैग से ये फायदा हुआ कि एक इंटरनेशनल स्तर पर जो है कलाड़ी को पहचान मिलेगी। जो लोग यहाँ आते हैं, जब आप माने कि आप गूगल में सर्च करेंगे कि क्या यहाँ की खासियत है, तो उसमें कलाड़ी का नाम जो फूड्स में सबसे पहले उभर कर आएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि जब बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो उन्हें ये पता, पहले से पता होगा कि कलाड़ी नाम की कोई चीज़ होती है और वो उस फूड को प्रेफर करेंगे। इससे हो सकता है आने वाले समय में जो कलाड़ी विक्रेता हैं उन्हें तो फायदा होगा, जो कलाड़ी मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा कलाड़ी बनाई जाती है और फिलहाल उनकी आमदनी कलाड़ी से इतनी नहीं होती, तो आने वाले समय में हो सकता है उनकी आमदनी में भी इससे इजाफा हो। और एक अच्छा स्टेप है जो GI टैग कलाड़ी को दिया गया है हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ये बहुत अच्छा स्टेप है। नमस्कार, मेरा नाम नरेश माथुर है, मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर बसंतगढ़ हूँ JKRLM से। जैसा कि आप बोल रहे हैं, आज मेरे लिए बहुत हर्षोल्लास का दिन है, मेरे लिए ही नहीं, जो लोग कलाड़ी के साथ जुड़े थे, मतलब टाइम याद नहीं है, टाइम मेमोरियल से, तब से उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लिए, हमारे जो गांव देहात हैं पर्टिकुलरली, जैसे रामनगर की कलाड़ी बड़ी मशहूर है, चनैनी की है, पंचारी की है, मतलब पूरे रामनगर, सॉरी उधमपुर जो हमारा घोड़ी है, जितनी भी हमारी बेल्ट है, उसमें जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। क्योंकि कलाड़ी जो लोग हमारे बनाते थे वो एज ए साइड बिजनेस रखा था उन्होंने, क्योंकि जहाँ जिसका दूध मार्केटेबल नहीं होता था वो कलाड़ी बना लेता था, चलो दूध ख़राब नहीं होगा, कोई लेगा नहीं हमसे, तो हम मार्केट में जाके कलाड़ी देते थे, और उनको मार्केट में बड़ा, मैं कहूँगा बड़ा कम रेट मिलता था उनको, 200 रुपया, क्योंकि जो भी लेता था उसको भी आगे बेचनी थी, बिकनी के नहीं बिकनी उसके ऊपर भी डिपेंड, मैं उसको कोई वहाँ पर डिफॉल्टर नहीं मानता। तो लेकिन अब कलाड़ी जैसे लोगों को अवेयरनेस आने लगी कि नहीं, हमें कलाड़ी एक एज ए मेन ऑक्यूपेशन भी दे सकते हैं, एक रोजगार का मेन साधन भी दे सकते हैं, और हमारे डिपार्टमेंट, जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट ही लेवलीहुड मिशन है, तो हम लोगों ने भी उनको प्रमोट किया, लोगों को मोटिवेट किया कि आप कलाड़ी को एज ए मेन बिजनेस लें। और अब लोगों ने जैसे मेन बिजनेस लिया, तो JKRLM की जो लेडीज़ हैं, माताएँ बहनें हैं मेन, उन्होंने कलाड़ी को मार्केट करना शुरू किया और लोगों में थोड़ी अवेयरनेस के, और हमने एज ए मीडिएटर एक ही काम किया, बींग ए एम्प्लॉई,
कि इसको मार्केट देने की कोशिश की जितना हो सकता था हमसे हमारी एफर्ट्स, और ना मैं इंडिविजुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं का मतलब इंडिविजुअल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर जितनी भी उसमें है, हमारे JKRLM की डायरेक्टर मैम इंदु कवल चिप जो मैम हमारे हैं वो एक्स डिप्यूटी कमिश्नर उधमपुर हैं, उनकी वजह से मतलब सारे लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर आके सोचा कि इस प्रोडक्ट को हम ऊपर लेंगे। और पर्टिकुलरली मैं आज इन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मैंने नाम लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो मैडम डिप्यूटी कमिश्नर मैम हैं, जो हमारे मिशन डायरेक्टर हैं, और LG मनोज सिन्हा जो हमारे ऑनरेबल LG हैं UT के, मैं सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन सब लोगों की वजह से हमारा आज जो है ये कलाड़ी को GI टैग मिला है। इसमें और लोग भी स्टेक होल्डर हैं जिनकी वजह से यहाँ ये दिन हमें, हम पूरे उधमपुर जो वासी हैं उनको ये दिन सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। उसमें लोकल लीडरशिप भी है जो हमारे गांव के लीडर हैं, जो हर किसी को जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में लगा कि कलाड़ी को प्रमोट करना चाहिए, हर किसी ने वो रोल प्ले किया है। तो मैं उन सब लोगों को और उधमपुर वासी जो लोग मैंने कहा जो टाइम इमेमोरियल जो मतलब लोग इस प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है, आप जैसे गांव में हो कोई चीज़ का पता नहीं रेट मिलता नहीं है, कई बार लॉस में भी होता है, लेकिन फिर भी उसको कंटिन्यू किया और आज ये उनको उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनके प्रोडक्ट को दुनिया जान गई। क्योंकि GI टैग का मतलब जैसे मैंने शायद पहले भी आपसे कहा, अब पूरी दुनिया जो है वो उधमपुर को कलाड़ी से जानेगी, जैसे नागपुर को संतरे से जानते हैं लोग कि नागपुरी संतरा वो भी GI टैग है, बासमती RSपुरा की जो है वो भी GI टैग है, राजमा जो पिछले दिनों में भद्रवाह को मिला GI टैग। तो कहने का मतलब है वैसे ही अब लोग हमारी कलाड़ी को जो उधमपुर के नाम से जानेंगे और उधमपुर को कलाड़ी के नाम से जानेंगे, वैसे वाइस वर्सा।